सो ग्रीटिंग्स पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमॉन अनबाउंड के एपिसोड के अंदर। और आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं, वैसे मैं ड्रेस कोड के अंदर क्या कर रहा हूँ वो आपको बताना पड़ेगा, अगर आपने लास्ट एपिसोड का एंड देखा है तो आपको पता रहेगा कि मैं था सिंडर वोल्केनो के एंड में। और ड्रेस कोड इसके लिए आया क्योंकि एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को हम लोग को यहाँ पे अनलॉक करना है, जो काइंड ऑफ लेजेंडरी भी माना जा सकता है, सूडो लेजेंडरी में भी आ सकता है, तो उसको ज़रूर देखेंगे। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ने गए थे सिंडर वोल्केनो के अंदर, शैडो ग्रंट्स के साथ फाइट की और वहाँ पे एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को उन्होंने काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ें हुई। तो स्टोरी लाइन को चेक करना चाहते हो कैसे सिंडर वोल्केनो का मिशन आपको क्रॉस करना है तो उसके लिए लास्ट एपिसोड चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट देके रखी हुई है। और एपिसोड पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे जैसे आप सपोर्ट करते हो आपका सपोर्ट जैसे आता है उसकी वजह से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे और कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे साइंटिस्ट के घर के अंदर, क्योंकि ये साइंटिस्ट वाला जो चीज़ है ना, तो उसके लिए आपको एपिसोड चेक करने पड़ेंगे पिछले वाले, क्योंकि मिशन कैसे एक्टिवेट करना है, आपको कौन सा एक पार्ट लगेगा जिसके मदद से आप इस पर्टिकुलर चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो। इट्स लुक लाइक यू आर कलेक्टेड एट 10% ऑफ द सेल्स ऑफ द ज़िगोट, तो हम लोगों ने 10% कलेक्ट जरूर कर लिए है। वुड यू लाइक टू असेंबल दिस सेल इनटू द टेंपरेरी कंस्ट्रक्ट? यस, फीस्ट के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और इसका नेचर है नॉटी। और हम लोग को अभी यहाँ पे मिल चुका है द ज़िगोट, द पीस ज़िगोट वर्जन हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। फिर से एक बार बात करने के बाद वो बंदी बोल रही है कि जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे ना, उसका फॉर्म जो है वो चेंज होता रहेगा, तो काइंड ऑफ लॉस भी हो सकता है, फिर से इसके पास आना पड़ेगा असेंबल करने के लिए, और डिसेंबल करना है तो भी इसके पास ही आना पड़ेगा। तो हम लोग के पास अभी एक न्यू ज़िगोट है, उसके मूव सेट जरूर चेक कर लेंगे। और इस पोकेमॉन के बारे में बोल रहा था, इसके लिए सजेशन नहीं चाहिए, ये मेरा खुद का सजेशन है जिसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। इसके पास है ड्रैगन ब्रेथ, अर्थ पावर, बाइट और हेज, तो ये चार अटैक ज़रूर है, इसके लेवल हम लोग अभी बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट पोकेमॉन के लिए इस एपिसोड एंड में आपको मैं वोटिंग डालने वाला हूँ आज के दिन में, तो आप डेफिनेटली उसमें से पोकेमॉन सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा बेस्ट होने वाला है। और शायद से आज के एपिसोड में ऐसे बोल सकता हूँ मैं कितने वोटिंग्स होंगे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो भी जीतेगा वो सिकंदर होगा। अभी मैं जाऊँगा ट्रेनर हाउस के अंदर, लेवल इतने बढ़ ही चुके हैं तो ट्रेनर हाउस के अंदर कूद लेते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रेनरों के साथ बैटल करेंगे। और ऐसे भी कुछ ट्रेनर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस मोमेंट के अंदर, लेकिन अभी हम लोग को और ज़्यादा लेवल बढ़ाने हैं। गैबाइट है, उसके साथ ग्रिटलियो है, शैंगशू है अलोलियन वाला, और अभी ज़िगोट भी है, तो उनके लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। ड्यूअल बैटल आपको यहाँ पे ट्रेनर हाउस के अंदर दिख सकती है, तो डरने की बात नहीं है। और एपिसोड अभी तक पसंद आया तो लाइक करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बड़ा वाला सरप्राइज दे दिया ज़िगोट यूज़ करके, ठीक है। तो अभी इसके साथ पुचियाना डाउन होते हुए लिटलियो चला गया 22 लेवल पे, और मुझे आइस वॉल अटैक बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है एपिसोड्स के अंदर, ठीक है। और मेन चीज़, अगर आपको रेड एडवेंचर चैप्टर की जर्नी देखनी है तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही ऑसम सी जर्नी है रेड की जर्नी, और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका स्टोरी लाइन लिखा हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी यहाँ पे दो बंदे हैं, फर्स्ट है करवाना, सेकंड है सैंडाइल। सैंडाइल क्रॉक्रॉक के अंदर इवॉल्व हो सकता है, और करवाना जो है वो इवॉल्व हो सकता है शार्पीडो के अंदर। होइन और साइड में यूनोवा, दोनों भी पोकेमॉन्स हैं, दोनों को हम लोग ने पाउडर स्नो की मदद से डिफीट कर दिया। इसके लिए पाउडर स्नो निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि ड्यूअल बॉटल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है इस पाउडर स्नो अटैक का। इनके आ रहा है, इनके को हराने के लिए फायर फैंग और उसके साथ साथ पाउडर स्नो यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, तो इनके मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डैमेजेबल लगता है फॉर माई टीम, तो हम लोग को शायद से टीम को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा साइकिक टाइप पोकेमॉन्स के खिलाफ बैटल करने के लिए। शायद से आगे जाके साइकिक टाइप पोकेमॉन्स की टीम लीडर भी हम लोग को मिल सकते हैं। इसको तो हरा दिया, अभी हम लोग चैलेंज कर लेते हैं अनदर ट्रेनर को। उससे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, हील करूँगा हमारे पोकेमॉन्स को। आज का एपिसोड भी कल के एपिसोड जितना ही बड़ा होने वाला है, तो डेफिनेटली सपोर्ट ज़रूर दिखाना गाइस, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इस सीरीज़ को रैप अप करके न्यू सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी काइंड ऑफ जॉब संभाल के ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए हर एक कंटेंट भी ऐसे ऐसे लेके आओ, मतलब अलग अलग कंटेंट लेके आओ, तो उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे पहले ये बंदा लगा था कि मिरिस्केल है द जिम लीडर ऑफ द स्ट्रेस्को टाउन, लेकिन ये मिरिस्केल नहीं है, ये कोई अननोन पर्सन है, इसके बारे में हम लोग को बाद में पता चलेगा, आपको पता रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना। स्पॉयरल अलर्ट वाली चीज़ तो मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि अनबाउंड V2 ओपन ज़रूर हुआ है, लेकिन V1 को निकाल के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुझे बहुत दिनों से बंदे बोल रहे थे कि अनबाउंड खेलो, लेकिन काइंड ऑफ मेरे कंटिन्यूस जो चल रहे थे गेम प्लेस उनके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था। अभी मैंने अनबाउंड लाया ज़रूर है, लेकिन आगे जाके और अलग अलग टाइप के गेम प्लेस भी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। यहाँ पे हैं फिनियन और इस वाटर टाइप बंदी को हम लोग ने पहले ही हरा दिया था, लेकिन फिर से एक बार चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनर हाउस के अंदर कूदा ही हूँ, तो सबको भी डिफीट कर देंगे यहाँ पे आके। और
जैगरेट चला गया लेवल 12 पे और जो सेकंड बंदा आने वाला है वो है एक्चुअली थर्ड द फ्रॉकी। फ्रॉकी को हराने के लिए बुलडोज अटैक यूज़ करेंगे, उसके साथ फ्रॉकी डाउन होते हुए गैबैट चले गए 28 लेवल पे। और यहाँ पे अनदर बंदा, ये है फायर टाइप्स का स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं ट्रेनर हाउस के अंदर, नॉट अ ओवरऑल वर्ल्ड। और इसके पास फर्स्ट है लिटलियो जो हमारे पास भी है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बुलडोज लिटलियो को हराने के लिए। लेवल 15 के पोकेमॉन से तो ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे, इनसे हम लोग इजीली जीत सकते हैं। और मैंने गलती से यहाँ पे ओरियो को हराने के लिए बुलडोज यूज़ किया, और इसी के साथ ओरियो डाउन होते हुए द हेल्प ऑफ अ ड्यूअल चॉप। और अनदर पोकेमॉन जो है पेनिकिन, और पेनिकिन आपका ड्यूअल फॉक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा अगर मैंने उसका नाम सही से लिया है तो। और इसी के साथ शैंशू चला गया लेवल 23 पे, और शैंशलैश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका डिज़ाइन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कौन सा ड्यूअल बैटल फिर से एक बार, और इसके पास आपको नॉर्मल टाइप पोकेमॉन देखने मिलेंगे। इसके लिए उसने निकाला है बिस्मो, और सेकंड है वो है हैप्पी। बिस्मो डाउन होते भी इतनी जल्दी कैसे डाउन हो गया बताने, लेकिन बिस्मो डाउन हो चुका है। लिकडंग आ रहा है, लिकडंग को हराने के लिए भी मैं यहाँ पे फायर टाइम वैसे बुलडोज अटैक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन काइंड ऑफ ना दोनों को लगेगा, सेंचुरू को भी लगेगा बुलडोज, और उसके साथ साथ सामने वाले पोकेमॉन्स को लगेगा, तो उसमें मेरा लॉस तो नहीं है। लेकिन अगर सेंचुरू को लग जाता है बुलडोज तो शायद से ज़्यादा डैमेज भी दे सकता है, क्योंकि लेवल मैटर करते हैं। सेंचुरू है 23 पे, गैबैट है 28 पे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आते हुए ऑडिनो भी डाउन हो रही है, आते हुए नहीं बोल सकता, हैप्पी ने भी पूरा डाउन होते हुए और ऑडिनो भी डाउन होते हुए। इसी के साथ लिटली वो चला गया 23 पे। सिंगरा है जो अटैक है वो मैं सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अटैक पसंद नहीं। और जैगरेट चला गया 14 पे, सीख रहा है सेफ गार्ड, तो उसको सेफ गार्ड नहीं सिखाने वाला मैं फिलहाल, क्योंकि हेज और बाकी सारे अटैक बहुत ही अच्छे हैं, उनको हम लोग रखेंगे फिलहाल के लिए। और कलेक्टर को हम लोग ने यहाँ पे हरा दिया, तो इसी के साथ मैंने ट्रेनर हाउस को रैप अप कर दिया है। अभी जाते हैं पोकेमॉन सेंटर के अंदर, हील करेंगे हमारे पोकेमॉन्स को जो भी जितने भी डाउन हुए हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से एक बार नए सिटी की तरफ, उसके लिए मैं अभी फिलहाल मूव ऑन होऊंगा सिंडर वॉल्केनो से होते हुए, क्योंकि आपको मैं पूरी जर्नी नहीं दिखाने चाहता। सिंडर वॉल्केनो कैसे पहुँचना है, कैसे रीच करना है, कौन कौन से पजल कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए लास्ट एपिसोड ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट एपिसोड ही है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, और प्लेलिस्ट बना के रखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। और अभी मैं आपको सीधा मिलूंगा सेंडर वॉल्केनो के बाहर, जहाँ से हम लोग हमारी जर्नी नेक्स्ट टाउन की तरफ से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन हम लोग उससे पहले यहाँ पे आएंगे, शायद से उसका जो काइंड ऑफ जो ग्रैंड सन है हम लोग को फ्लाई करके लेके जाए, लेकिन वैसी वाली बात नहीं है, यहाँ पे उसका ग्रैंड सन है नहीं, तो वॉक अवे ही जाना पड़ेगा। मैं आपको सीधा मिलूंगा सेंडर वॉल्केनो के एग्जिट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेंडर वॉल्केनो के एग्जिट की तरफ, और एग्जिट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो डेफिनेटली आपको देख लेना चाहिए लास्ट एपिसोड, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे पजल्स को सॉर्ट आउट करने और कैसे सारी चीज़ें होने वाली है। फिलहाल तो मुझे अभी न्यू टाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो एक पर्टिकुलर मिशन हम लोग को अर्थर ने दिया हुआ है। अर्थर वही वाला बंदा है जैक्स का ग्रैंडपा, और ईथर आपको यहाँ पे हिडन मिलते हुए। इसी के साथ अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेनर है शायद से जो हम लोग से बैटल कर सकता है, जिसके पास आपको वाटर टाइप पोकेमॉन देखने मिलेंगे, क्योंकि ये फिशर है। उसका फर्स्ट पोकेमॉन है शेल्टर, तो फायर फैंग यूज़ करेंगे शेल्टर को हराने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दे सकता है शेल्टर, क्योंकि वो है आइस टाइप पोकेमॉन। तो यहाँ पे स्विच करेंगे सेंचुरू के ऊपर, और डेफिनेटली यहाँ पे बर्न अच्छी खासा होते हुए दिखाई दे रहा है। मेटल क्लॉ यूज़ करेंगे शेल्टर को हराने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रोल आउट यूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ रोल आउट के साथ ही शेल्टर डाउन होते हुए आ रहा है बेस्कलिन, और बेस्कलिन आपको वाटर टाइप में मिल जाएगा, यूनोवा से रिलेटेड आता है बेस्कलिन। और बेस्कलिन को हराने के लिए, बेस्कलिन का एक्चुअली इवॉल्व फॉर्म है नहीं, शायद से एक सिंगल इवोल्यूशन है वैसे के लिए। और फ्यूरी कटर सीख रहा है चैंशू, जो नहीं सिखाना चाहता फिलहाल के लिए मैं। और यहाँ पे जैगरेट चला गया 15 पे, आ रहा है स्टारियो। तो स्टारियो बहुत दिनों बाद कैंटो लीग से बिलोंग होते हैं भाई, स्टारियो आता है। और इसी के साथ बुलडोज से हम लोग ने स्टारियो को हरा दिया, और गैबाइट का HP तो बढ़ता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है शैंशू का भी HP बढ़ेगा। रेयर कैंडी कहाँ पे मतलब पूछो मत, रेयर कैंडी एक्चुअली एक हिडन है, तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था उस मोमेंट पे अगर आप जाओगे उस केव के अंदर जो हम लोग ने क्रॉस नहीं किया था, और केव से अगर आप बाहर आ जाते हो तो वहाँ पे आपको रेयर कैंडी डेफिनेटली मिल जाएगा। और अभी यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, और लैपरस क्यू है, लैपरस एक्चुअली यूज़ करके आप वाटरफॉल को पार कर सकते हो। और यहाँ पे है द जाइग्रेट सेल, लिलीपॉप आपको यहाँ पर मिल सकता है लेवल 14 का, और जाइग्रेट सेल नंबर 11 शायद से, 11% ऑफ जाइग्रेट यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो देख लेते पहले फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं जाइग्रेट का, उसी फॉर्म में है तो फॉर्म तो डेफिनेटली चेंज नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और 10% कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद शायद से उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, तो हम लोग को फिर से जाना पड़ सकता है उस प्रोफेसर के पास। वो शायद से काइंड ऑफ कुछ कर सकती है फिर से एक बार उसको असेंबल करके एक नया फॉर्म बनाने में, और ये तो एनिमे के अंदर भी देखा था हम लोग ने। अभी
मैं सोच रहा हूँ कि लैप्रस को यूज़ कर लेते हैं और वाटरफॉल चेक ही कर लेते हैं कि वाटरफॉल कैसे होने वाला है। सो चलो राइड करते हैं, लैप्रस के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं लैप्रस कैसे जाने वाला है। तो लैप्रस यहाँ से आपको नीचे भेज देगा और नीचे एक और लैप्रस है वो शायद से ऊपर जाने के लिए यूज़ हो सकता है। ये है रूट नंबर 5, लेकिन रूट नंबर 5 को बाद में देखेंगे। फिलहाल फिर से एक बार राइड कर लेते हैं लैप्रस से, जिसके मदद से हम लोग ऊपर आ जाएंगे और ये लैप्रस फिर से एक बार रिबाउंड करके पीछे चला जाएगा। तो रूट से कनेक्टेड रह जाते हैं और यहाँ पर शायद से बैटल देखने मिल सकती है। जो ट्रेनर घूमते रहते हैं ना, तो वो रेयरली शायद से बैटल करते हैं। जो ट्रेनर जगह पे खड़े रहते हैं वो मोस्ट प्रॉबली बैटल करते हैं। और यहाँ पे आपको मिल सकता है ट्रम्बिक। ट्रम्बिक पिकी पिक का इवोल्यूशन है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी कर लिया हूँ अभी कि पिकी पिक के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसके बाद मुझे पता चला उसका इवोल्यूशन है ट्रम्बिक। और कैबाइट चला गया 29 पे सीक्रेट स्लैश, तो स्लैश नहीं सिखाएंगे उसको। और एपिसोड अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना पिकाचू, जिसके मदद से मुझे पता चल जाएगा आप अभी तक हो इस एपिसोड के अंदर। और फिर से एक बार एक फिशरमैन जो आपसे बैटल कर सकता है, और इसके साथ साथ आप भी ये गेम खेल सकते हो। गेम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और पैच कैसे करना है वो भी मैंने आपको एपिसोड के मतलब इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में बता दिया है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैजिक आप था, मैजिक आप के बाद यहाँ पे कॉफिश आने वाला है। ड्यूअल चॉप यूज़ करेंगे कॉफिश और मैजिक आप्स को हराने के लिए। तो मैजिक आपको तो हरा दिया इजीली और कॉफिश को भी हम लोग ने यहाँ पे हरा दिया है। एक्सपीरियंस शेयर्स आते हुए जाइग्रेट सीख रहा है कुछ भी नहीं, लेवल 16 पे खाली गया है। मैजिक आप फिर से एक बार आते हुए मैजिक आपको हराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे द मेटल क्लॉ, लेकिन मेटल क्लॉ से भी कुछ नहीं हुआ। और उसने यूज़ किया टैकल, तो यहाँ पे टैकल अटैक, टिकल अटैक जैसे बहुत सारे अटैक्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे और मैजिक आपको हम लोग ने हरा दिया है। ओके, तो यहाँ पे शैडो ग्रंट्स है और इसके अंदर आपको सुपर रिपेल मिलेगा। तो ऐसे हिडन एलिमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताते रहता हूँ एपिसोड के अंदर। और यहाँ पे इसके साथ बात कर लेते हैं और ये बोल रहा है गो अपे, तो ये नहीं चाहता इंटरफेयर करें हम लोग इस एंड पे, लेकिन ये एंड कहीं ना कहीं पे तो आगे जाके कनेक्ट होगा। फिलहाल जाते हैं रूट नंबर 5 पे लैप्रस की मदद से। और लैप्रस बहुत ही हैप्पी है, अच्छा पोकेमॉन है लैप्रस, एक्चुअली बहुत चेयरफुल पोकेमॉन है। और इसके साथ हम लोग आ चुके हैं रूट नंबर 5 पे। ओके, तो रूट नंबर 5 को क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, बेट वैली बोलते हैं इसको। और इसके साथ हम लोग जा सकते हैं क्रेटर आइलैंड्स की तरफ, क्रेटर टाउन की तरफ। और दूसरे साइड आता है क्रेटर डेकर सेंटर। दोनों चीज़ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे कुछ हिडन है, यहाँ पे कुछ भी हिडन आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे है लिक्विड एंग लेवल 18 का, जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। पानी के अंदर भी शायद से अगर चलेंगे तो वहाँ पे भी पोकेमॉन मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे है टीएम, लेकिन टीएम ले नहीं सकते क्योंकि मुझे दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। यहाँ पे टेलो आने वाला है और टेलो को हराएंगे विद द हेल्प ऑफ अ गैबाइट। बुलडोज अटा यूज़ नहीं कर सकते टैलोस के ऊपर, लेकिन मैं अभी गलती से कर दिया हूँ क्योंकि मुझे लगा ही था जब आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले जाते हो तो हमेशा फर्स्ट अटैक ही कर देते हो। अटैक आने से पहले ही मुझे लगा था कि वो चीज़ हो ही जाएगी। और यहाँ पे टैलो को हम लोग ने फायर फैंग की मदद से हरा दिया है। गैबाइट को 155 एक्सपीरियंस पॉइंट और बाकी सारों को हाफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग ने हरा दिया इस बंदी को। और इसके साथ साथ हम लोग उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ना कि इस पोकेबॉल को ले सकते हैं, तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। इस बंदे से बात कर लेते हैं। बेटर टेक अ रेस्ट, बॉल कैन टेक्स लॉट ऑफ मी, लेट मी हील योर पोकेमॉन। तो यहाँ पे हीलिंग भी आपको मिल सकती है, उसके साथ साथ हीलिंग आपको सिंडर वॉल्केनो के अंदर भी मिल सकती है। और अभी हम लोग मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि वो टीएम कैसे लेना है, लेकिन टीएम लेने के लिए कौन सा भी डायरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए कोई दूसरा रूट ज़रूर होगा जो पॉपअप हो जाएगा हम लोग का फ्यूचर के अंदर। अभी तो फिलहाल एचएम्स भी नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली एचएम्स मिलने के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम लोग को दिख जाएगी। ये बंदी हम लोग से बैटल करना चाहती है, बैटल कर लेते हैं। कितने पोकेमॉन होने वाले? 2 पोकेमॉन है। उसके फर्स्ट है कर्लिया, कर्लिया एक्चुअली गैलेट्स का इवोल्यूशन है। उसके बाद आता है गार्डीवायर, या फिर उसको आप गैलेट के अंदर भी इवॉल्व कर सकते हो। तो 2 अलग लाइन्स कितने कर्लिया के बाद। कर लिया को इजीली डिफीट कर दिया हम लोग ने। एक्सपीरियंस पॉइंट फिर से एक बार शेयर होने वाले। लिट लियो चला गया लेवल 24 पे। आ रहा है फ्लोटेड, फ्लोटेड फ्लो बेबी का इवोल्यूशन है और फ्लो बेबी हम लोग ने ऑलरेडी देखा था फ्लावर पैराडाइज के अंदर। और यहाँ पे लिट लियो सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम लिट लियो शायद से मैं अभी पॉपअप कर रहा हूँ। अभी हम लोग यूज़ करेंगे फाइव फैंग अटैक फ्लो बेबी को हराने के लिए। उसके बाद मैं एम्बर भी ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि दोनों अटैक बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे फ्लोबेबे पे लकी चैंट अटैक यूज़ कर रहा है। लकी चैंट से क्या होता है, आपको शील्डेड कर लेते हैं क्रिटिकल अटैक से, तो क्रिटिकल हिट नहीं बैठते, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल हिट बैठ चुकी है। तो फ्लोटेटे यहाँ पे डाउन होते हुए। और कोई लेवल अप हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा है। इसके साथ हम लोग ने स्पीड की बंदी को हरा दिया है और हम लोग को मिल चुका है 608 कॉइंस, पोकी कॉइंस। ट्रेनो टिप के बनाए आउट ऑफ द ट्रीज विद शेडी एरिया बिटवीन देम बिकॉज Those indicate the hidden grottos can be found there. The special area have been appearing en masse ever since the simply interact with the trees and prepare to face the tough Pokemon. In fact that you can use cut, you will be able to find one of those. विजन बैच मतलब क्रिएटर टाउन जिम लीडर के बाद हम लोग को विजन बैच मिलेगा और वहाँ पे हम लोग को HM01 मिल सकता है जो यूज़ कर सकते हैं कट अटैक।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पोकेबॉल है। तो फाइनली जाके इस पोकेबॉल को हम लोग लेने वाले हैं। बहुत सारे इतर मिल चुके हैं गेम के स्टार्टिंग में ही हम लोग को, तो शायद से मुझे लगता है कि जहाँ पे हम लोग एलिट फोर के साथ बैटल करने जाएंगे वहाँ पे हम लोग को पीपी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस गेम के अंदर मैं जैसे लास्ट एपिसोड में बोला था कि लेवल के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर एक के पास लेवल जाने वाले बढ़ने वाले एक्सपीरियंस तो वैसे भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे अनदर बैटल जो है बग टाइप ट्रेनर, और उसके पास आपको मिलेगा क्यूटी फ्लाई। एक्चुअली एक बग टाइप पोकेमोन है जिसको हम लोग ने फ्लावर पैराडाइज के अंदर पकड़ा था। डेफिनेटली चेक करना फ्लावर पैराडाइज के अंदर कौन सा मिशन था उसके वजह से हम लोग ने क्यूटी फ्लाई को उस मोमेंट पे पकड़ा था। आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर बार मैं वही बोलता हूँ क्योंकि मैं इनकरेज करता हूँ आपका एपिसोड देखो, उनको लाइक करो, उसके वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा भाई, सपोर्ट मिलेगा। तो एटलीस्ट सपोर्ट पता है, मतलब मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। और लिटलियो ने फिर से एक बार अपना काम कर दिया। अभी मैं लिटलियो को डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं शाइनशरू को यूज़ करता हूँ वैसे लिटलियो को भी यूज़ कर सकता हूँ, अभी गैबेट को भी यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा और लेवल बढ़ने तो जाइग्रेट का, फिर जाइग्रेट भी आपको बैटल फील्ड के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे मून बॉल मिलने वाला है। मून बॉल तभी यूज़ होता है जो पोकेमॉन मून स्टोन से इवॉल्व हो जाता है, उसको आप मून बॉल से कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिफेरी, ठीक है, तो अगर आप क्लिफेरी को मून बॉल से कैप्चर कर लेते हो तो एडवांटेज है आपको। यहाँ पे यंग मेगा मिल सकता है जिसका एवोल्यूशन होता है यंग मेगा। सो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं, दो टर्न यहाँ से निकल रहे हैं तो उसमें से एक टर्न पहले देख लेंगे ये बंदा जॉगर वाला बंदा, उसको पूछ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, सम पीपल स्किप द लेग डे बट दोज पीपल आर रॉन्ग। वॉकिंग द बेस्ट वे टू द वर्क, If you walk enough, I will give you a reward to celebration of the leg day. Awesome. तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इसके मिशन को। हम लोग को चलने हैं टोटल 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, उसमें से हम लोग ने ऑलरेडी मतलब बाकी कितने देखा, 1,32,955 समथिंग। तो उतने बाकी है, उतने हम लोग को चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो ये मिशन क्लियर नहीं करने वाला मैं, तो जैसे जैसे ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इस बंदे को मिलेंगे और रिवॉर्ड अपने आप अपने को मिल जाएगा। लेकिन बंदे को मिलने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा या फिर वो बंदा वहाँ पे आएगा पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग को शायद से उस बंदे को मिलना पड़ेगा। नीडोरन है 50 बोल रहा था, लेकिन 20 लेवल का है, बुलडोजर अटैक यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम लोग ने नीडोरन मेल को हरा दिया है। और सेकंड पोकेमॉन आ रहा है उसके लिए मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ सेंचुरू को, क्योंकि सेंचुरू ही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइस बॉल यूज़ कर लेते हैं जिसके मदद से, मुझे आइस बॉल बहुत पसंद है इसके लिए मैं आइस बॉल यूज़ करते रहता हूँ। और यहाँ पे कंफ्यूजन, लेकिन आउट ऑफ द कंफ्यूजन हो चुका हमारा अलोलियन सेंचुरू। और इसके साथ लिकेडन को हरा दिया लेवल 19 के, सेंचुरू चला गया लेवल 25 पे। पता नहीं कितने पे इवॉल्व होगा, लेकिन इवॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ से आप जा सकते हैं पोकेमॉन डे केयर, यहाँ से जा सकते हो आप क्रिएटर टाउन। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक बैटल करना चाहता हूँ। शट यार, थोड़ा सा बीच में से चलता तो यहाँ पे डबल बैटल देखने मिल सकती थी आपको, लेकिन चल जाएगा। इसको पहले डिफीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको डिफीट करेंगे। रोजी लिया यहाँ पे आते हुए, तो बीडू अगर आपको पता है कहाँ पे मिलता है मैं बता दूंगा, देख लेना पिछले एपिसोड, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा बीडू कहाँ पे मिलता है। इसके से ही इवॉल्व होता है रोजी लिया। और यहाँ पे गैबेट ने फिर से एक बार अपना काम कर दिया है, तो गैबेट जल्द से जल्द टच कर लेगा लेवल 30 पे। मुझे लगता है नेक्स्ट बैटल पे ही वो लेवल 30 टच कर ले। मैनी कॉल में मैनियक, लेकिन यहाँ पे बैटल होने वाली है। तो ये भी एक बग कैचर है जिसके पास 3 पोकेमॉन है, उसमें से फर्स्ट है बर्मी, और बर्मी के अलग अलग टाइप्स आपको देखने मिलते हैं, शायद उसका वर्बिडाइन ऐसा कुछ टाइप है। अगर आपको पता रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और फायरफैंग, तो मुझे कुछ कुछ पोकेमॉन्स एक्चुअली पता नहीं, मतलब उनके नाम, मतलब उनका डिज़ाइन पता है लेकिन नाम प्रॉपरली उनका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है। जब सामने आ जाते हैं तो मुझे याद आ जाता है। और कैंटो से लेकर होइन तक हर एक पोकेमॉन मुझे याद है, सिनो तक एक्चुअली, सिनो तक। लेकिन उसमें वर्मी जो पोकेमॉन है बहुत कम टाइम पॉपअप हुआ है सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे है यनमा, और यनमा को हराने के लिए फायर फैंग यूज़ करेंगे क्योंकि यनमा गिरता है बग टाइप पोकेमॉन। और एम्बर यूज़ करके देख लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और यहाँ पे एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, इसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है फिर से एक बार एक एम्बर अटैक यूज़ करना पड़ेगा आउट ऑफ द कंफ्यूजन और एंड में यहाँ पे डिपीट होते हुए। तो लिटलियो को मिले 276 और एक्सपीरियंस वैसे भी शेयर हो रहा है। जाइग्रेट चला गया 18th लेवल पे, और यहाँ पे कॉम्बी आ रहा है तो कॉम्बी के लिए हम लोग लिटलियो को ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा फास्ट आ रहा हूँ मैं और एम्बर अटैक यूज़ करेंगे, अनदर एम्बर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। एम्बर बहुत ही सुपर इफेक्टिव। लिटलियो चला गया लेवल 25 पे विद द हेल्प ऑफ अ 127 एक्सपीरियंस पॉइंट, और एक्सपीरियंस शेयर वैसे भी बांट रहे हैं तो अच्छे खासे लेवल बढ़ रहे हैं। मतलब अभी एक्सपीरियंस शेयर का सोचने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि गेम के अंदर हर एक को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पे रिवाइव, तो इस गेम के अंदर भी ईथर के साथ साथ बहुत सारे रिवाइव्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इधर रिवाइव अगर ज़्यादा हो जाते तो उनको मैं बेच दूंगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ग्रीन शार्ट, जैसे रेड शार्ट मिला था वैसे यहाँ पे ग्रीन शार्ट है। और यहाँ पे आपको मिल सकता है सुपर पोशन जो आपको दे सकता है 50 HP पॉइंट्स। बाकी तो कुछ भी बचा नहीं है मुझे लग रहा है। अगर आपको पता है कहाँ पे कोई हिडन एलिमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर
वेलकम है बता देना। और यहाँ पे है पोकेमोन डे केयर सेंटर और यहाँ पे है द 12% ऑफ द सेल ऑफ द साइट। 12% कम्प्लीट हो चुके हैं तो अनदर 1% हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए, और अभी हम लोग जाएंगे डे केयर सेंटर की तरफ, इस बंदे से बातचीत कर लेते क्योंकि ये हम लोग को देने वाला है मिशन। इट्स मीन सर्चिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेंट्स। ओके, वुड बी फास्टर इफ हेल्प यू, वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद माय रिसर्च ग्रेड, स्टार्ट ऑफ विद प्रिज्म, वी आर वीडियो वीडियो यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो लिमिटेड डेटा फॉर वीडियो एंड रोजिलिया टू योर पोकेडेक्स। तो हम लोग को यहाँ पे इस ब्रीडर की हेल्प करनी पड़ेगी, पोकेमोन ब्रीडर, जिसको हम लोग को पहले देना पड़ेगा बीडू। तो इस मिशन के बारे में ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन है। तो बीडू के बाद वो अलग अलग पोकेमोन्स मांगेगा, तो इसको तो बाद में रखेंगे फिलहाल इस मिशन को। पहले जो मेन मिशन है उनको हम लोग ज़्यादा देखेंगे, और जो रनिंग के मिशन है, साइनिंग पोस्ट के मिशन है, वो तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे तो होते रहेंगे। ये बिल्डर हम लोग से बैटल करना चाहती है, तो इसके पोकेमोन को डिफीट कर दिया, गैबैट चला गया लेवल 30 पे, और 5 पोकेमोन शायद उसके बाद 6 है, तो उसमें से एक तो हो गया, 5 बाकी है। रैलेट्स सामने आने वाला है, अभी तो रैलेट्स के लिए हम लोग लिटलियो को सिलेक्ट करेंगे जो अच्छा खासा शायद से हेल्प कर सकता है। लिटलियो को दूसरे पोकेबॉल के अंदर है क्योंकि हम लोग को सामने से मिला था एज अ रिवॉर्ड, और यहाँ पर रैलेट्स है तो रैलेट्स को हराने के लिए मैं अभी एम्बर या फिर फायर फैंग यूज़ करके देखते हैं। ओ भाई, रैलेट्स यहाँ पर डाउन होते हुए पूरा पूरा का पूरा डाउन होते हुए, तो और थर्ड पोकेमोन फ्लैबेबे आ रहा है, तो उसको भी फायर फैंग से हरा देंगे। थोड़ा सा रह गया तो मैं भी एम्बर अटैक यूज़ करने की सोच रहा हूँ। इसके साथ फ्लैबेबे डाउन होते हुए और यहाँ पे आ रही है द पेरोलियन। पेरोलियन का एक्चुअली इवोल्यूशन मुझे पता नहीं, पर मतलब अच्छा नहीं लगता, पता नहीं पर अगले उसका इवोल्यूशन है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब एक अच्छे डिज़ाइन से नहीं। इसका लेपर्ड है एक्चुअली, यस इसका लेपर्ड है, वो तो अलग थी, वो ग्लैम है, ग्लैम है का पर अगले। ओके ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्ली पोकेमोन्स के अंदर। और यहाँ पे ज़ाइग्रेट सिलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार कि ज़ाइग्रेट क्या करने वाला है। ज़ाइग्रेट को हम लोग ने एक नॉर्मल पोकेमॉल में रखा था क्योंकि वो हम लोग को कैप्चर भी नहीं हुआ था, वो उसको असेंबल किया था, तो एक पोकेबॉल वहाँ पे खर्च हो गया। अर्थ पावर यूज़ कर लेते हैं, बेचारी के पाया बुरा लगे, ठीक है यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अर्थ पावर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्राई ने भी अच्छा खासा डैमेज किया, लेवल एक्चुअली कम थे उसके, 19 थे मेरे 18 थे, तो उसके वजह से थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ। इसका एवोल्यूशन मुझे पसंद है एक्चुअली, पर इनका लेपर्ड अच्छा खासा डिज़ाइन है, लेकिन मुझे एक्चुअली ग्लैमो का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, सीधा परवले में इवॉल्व हो जाती है, तो एक ब्यूटीफुल से एक अगली पोकेमोन में, अगली नहीं बोल सकता लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे एक अलग स्लॉट है। चेरबी को हराने के लिए लिटलियो को सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ हम लोगों ने चेरबी को डिफीट कर दिया है। तो चेरबी का एवोल्यूशन भी मेरे को पता है, वो समथिंग एक ऐसा उल्टा फ्लावर जैसा है, उसका नाम याद नहीं है, नाम बहुत सारे पोकेमोन्स के याद नहीं। यो, थैंक यू फॉर बैटलिंग, कम बैक टुमारो टू। ओके, तो हम लोग फिर से एक बार कल भी आ सकते हैं बैटल करने के लिए, और यहाँ से अगर हम लोग जंप करते हैं तो हम लोग निकल सकते हैं फिर से एक बार रूट नंबर 5 से जो जाती है वेट वैली की तरफ। ठीक है, इस बंदे से अभी हील कर लेते हैं क्योंकि मैं जिसके लिए आया था वही चीज़ भूलिए, हीलिंग अच्छे से हो चुकी है। अभी हम लोग जाएंगे डे केयर सेंटर की तरफ, थोड़े से और ज़्यादा बंदों से बातचीत कर लेते हैं, शायद से अंदर बहुत सारे ब्रीडर हो जो हम लोग से बैटल करना चाहते हो, बैटल से लेवल बढ़ते हैं। तो मैं वही प्रेफर करता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों से बैटल करो, और जितने बंदों से आप बैटल करोगे उतने अपने लेवल बढ़ते जाएंगे और बाकी के पोकेमोन्स के भी लेवल बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ एपिसोड को लाइक भी कर देना, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे है होल्ड ऑन टू द 100 पोकेमोन एक्स फॉर यू, आई विश आई कुड ब्रीड द पोकेमोन्स। ठीक है, अभी इस बंदी से बातचीत कर लेते हैं। देयर आर सम हॉरिबल ट्रेनर्स आउट देयर हू ब्रीड एंड ब्रीड एंड ब्रीड एंड व्हेन दे आर डन ब्रीडिंग दे रिलीज एनी पोकेमोन दे डोंट वांट आउट दिस वीकेंड। यू आर नॉट वन ऑफ द ट्रेनर्स, तो डेफिनेटली नो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देर आर सम हॉरिबल ट्रेनर्स आउट देयर हू ब्रीड 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 एंड व्हेन दे आर डन ब्रीडिंग दे आर रिलीज एनी पोकेमोन दे वांट डोंट वांट। ओके, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे ब्रीडर्स रहते, कुछ ऐसे ट्रेनर रहते, अपने पोकेमोन के लेवल बढ़ाते रहते, लेकिन एक टाइम आ जाता है उसके बाद वो पोकेमोन छोड़ देते बिकॉज ऑफ सम मीनिंग भी नहीं हो सकता। ऐश ने भी बहुत सारे पोकेमोन छोड़े यार, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेन ट्रेनर हो गया। इसको यस करेंगे तो कुछ बुरा चीज़ हो सकता है, इसके वजह से मैं यस नहीं करने वाला, लेकिन अगर फ्यूचर में आप चाहते हो मैं इस चीज़ को यस करूँ तो डेफिनेटली मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, इसको यस करके मैं आपको दिखा दूंगा क्या चीज़ होती है। और इसके साथ अभी जाते हैं हमारे मेन रोड की तरफ, लेकिन वो चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय द वे, मैं नेक्स्ट एपिसोड बोला ज़रूर, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ बाकी है जिसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस एपिसोड के एंड में आपको कम्युनिटी टैब में जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपको एक वोटिंग तो दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है जिसके बारे में मुझे एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे बताया था,
तो इस बंदी से अगर आप बातचीत कर लेते हो तो ये बंदी आपको 3 मिस्टीरियस पोकेमोन देने वाली है। 3 में से एक देगी, 3 नहीं देगी, तो 3 बाद में मिलेंगे, 2 तो बाद में मिल जाएंगे। पोरिश ट्रेनर है और ये बंदी आई है यू नो वा रीजन से, तो बट लेटली दे आर बीन क्रेविंग एडवेंचर, आई डोंट रियली वॉन्ट टू लीव माई होम, आई एम बीन सर्चिंग फॉर समवन हु टेक देम ऑफ माई हैंड्स। तो स्नाइवी, टिपिक एंड ऑशवॉट, तो ये 3 में से आप एक पोकेमोन सिलेक्ट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कौन सा पोकेमोन रहेगा वो। तो इसके लिए अनदर वोटिंग होने वाला है, तो डेफिनेटली इस वीक में 2 वोटिंग्स है, फर्स्ट फॉर द नॉर्मल पोकेमोन एंड अनदर वन फॉर द स्टार्टर पोकेमोन। तो रोमांचक होने वाली है भाई इस साल की वोटिंग, मतलब इस वीक की वोटिंग, तो डेफिनेटली वोट करना। और एपिसोड पसंद आता तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमोन अनबाउंड, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। और डेफिनेटली गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, जो भी कमेंट करता है ना डेली उसके लिए थैंक यू गाइस। आपके कमेंट की वजह से मुझे पता चल जाता है एपिसोड अच्छा आ रहा है, और आपके सजेशन भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके साथ आगे के सजेशन भी एक्सेप्ट करूँगा। डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको वो सजेशन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बाद के एपिसोड में डेफिनेटली वो देंगे ज़रूर, क्योंकि मैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ जिन्होंने नहीं किया ना सब्सक्राइब, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो गाइस। और उसके साथ साथ ये 2 जो वोटिंग्स होने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वोटिंग्स है, तो सब्सक्राइब करना बनता है बॉस। कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पे वोटिंग करो। ये वोटिंग थोड़ा सा लॉन्ग चलने वाला है, क्योंकि स्टार्टर का भी वोटिंग है और फाइनल पोकेमोन का वोटिंग है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है मेरे 6-on-6 पोकेमोन होने वाले हैं, तो सोच समझ के वोटिंग करना। मेरी टीम आपके हाथों में होने वाली है, इतना याद रखना गाइस, ठीक है? तो समझ समझ के वोटिंग करना, और इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ आपको। और रेड एडवेंचर चैप्टर के एपिसोड तो वैसे भी आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। तो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।